हेलो क्लास 11। आज हम यहाँ पर यूनिट 3 गति का नियम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप पहले से भी न्यूटन के गति के नियम जानते हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, उसके अकॉर्डिंग क्या है? न्यूटन की गति के नियम। ये प्रथम नियम क्या है आपका? प्रथम नियम क्या है? यदि प्रथम नियम के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है या गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहती है जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है एवं वस्तु का यह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। इसलिए इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार जैसे मेरे सामने यहाँ पर लैपटॉप रखा हुआ है तो वो स्थिर ही रहेगा, और मान लो अगर कोई बॉडी घूम रही है तो वो घूमती रहेगी जब तक कि मैं उसके ऊपर बाह्य बल नहीं लगाता। तो कोई भी वस्तु विरामावस्था से गतिक अवस्था में या गतिक से विरामावस्था में आने का विरोध करती है, वस्तु का यह नियम या गुण जड़त्व कहलाता है। यही इसको हम क्या बोल देते हैं? जड़त्व का नियम बोल देते हैं। तो न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। दूसरा, दूसरा संवेग परिवर्तन की
डर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। संवेग क्या है, कैसे है, यह अभी अपन आज इसको डिस्कशन करते हैं। नंबर थर्ड, प्रत्येक क्रिया की एक बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया की एक बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम आज पहला नियम पढ़ रहे हैं, उसके बाद संवेग पढ़ेंगे, इसमें सेकेंड नियम को प्रूव करेंगे, फिर थर्ड नियम पर आएंगे। तो आज होता, देखिए मैंने आपको ये बताया था, प्रथम नियमानुसार इसको हम क्या बोल देते हैं, जड़त्व का नियम। एक जड़त्व का नियम मेरे पास क्या कहलाता है, ये प्रथम नियम कहलाता है। तो जड़त्व होता क्या है, देखिए हर वस्तु क्या होती है, अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करना चाहती, वो उसी अवस्था में हमेशा रहना चाहती है। अगर ये टेबल मेरे सामने रखी है तो ये हमेशा इसी अवस्था में रहेगी जब तक मैं इसको बाह्य बल नहीं लगाता हूँ, और जैसे ही बाह्य बल लगाता हूँ तो ये विरामावस्था से गतिक अवस्था में आने का विरोध करती है। ठीक ऐसे ही क्या हो गया, वस्तु अगर गति से विरामावस्था में आने का विरोध करती है तो वह भी मेरे पास जड़त्व कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, मेरे पास जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं। जड़त्व, जड़त्व को मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ। नंबर एक है फर्स्ट विराम का जड़त्व, दूसरा है आपके पास गति का जड़त्व, तीसरा है आपके पास दिशा का जड़त्व। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, विराम के जड़त्व का मतलब यह है कि वस्तु विरामावस्था से गतिक अवस्था में आने का विरोध करती है। गति के जड़त्व का मतलब यह है कि वस्तु गति से विरामावस्था का विरोध करती है, और दिशा के जड़त्व का मतलब होता है कि वस्तु अपनी दिशा बदलने का विरोध करती है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आपको मैं पहला हमने यहाँ पर यह बताया था मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल पहले मैं लेके चलता हूँ विराम का जड़त्व। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, जब बस मैं बैठा हुआ
पी बस अचानक चलने पर पीछे की ओर मोड़ जाता है क्योंकि विराम के जड़त्व के कारण उसका ऊपरी भाग तो विरामावस्था में रहता है किंतु नीचे का भाग जो बस के संपर्क में है गतिशील हो जाता है इसलिए ऊपर वाला भाग ठीक उसी विरामावस्था में रहना चाहता है इसलिए व्यक्ति पीछे गिर पीछे मुड़ जाता पीछे मोड़ जाता है। देखिए मैं अगर बस के अंदर बैठा हुआ हूँ, बस चलेगी तो मेरा ऊपर वाला भाग विराम के जड़त्व के कारण स्थिर रहेगा, लेकिन नीचे वाला भाग कैसा होगा? बस के साथ गतिशील, इसलिए नीचे वाला भाग तो आगे चल जाएगा लेकिन पीछे वाला भाग कैसा हो जाएगा? पीछे की साइड। ऊपर वाला भाग क्या होगा? पीछे की साइड मुड़ जाएगा। ये आपके पास एग्जाम्पल है विराम के जड़त्व। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूं। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेके चलूं तो इसको मैं क्या करता हूं, गति का जड़त्व लेके चलता हूं। जैसे जब इसका एग्जाम्पल है, जब एथलीट विनिंग पोस्ट पर आता है, विनिंग पोस्ट पर दौड़ते हुए आता है तो तुरंत नहीं रुकता बल्कि गति
जड़त्व के कारण, जड़त्व के कारण कोच आगे की ओर चलता है क्योंकि उसकी बॉडी गतिशील ही बनी रहना चाहती है। तो आपने वो तो देखा होगा, जब एक एथलीट दौड़ के आता और विनिंग पोस्ट पर आता है तो वो तुरंत नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी गतिशील है और गति के जड़त्व के कारण वह कुछ आगे की ओर चलता है क्योंकि उसकी बॉडी गतिशील अवस्था में ही बनी रहना चाहती है, फिर वो धीरे धीरे जाकर रुकता है। तो देखिए मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर प्रथम नियम दो चीजों को बताता है। गति का प्रथम नियम दो भौतिक राशियों को बताता है। पहला मेरे पास क्या हो जाता है, जड़त्व, और दूसरा हो जाता है बल। क्योंकि हम बार बार बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो बल को मैं यहां पर डिफाइन कर लेता हूं। बल, बल वह है बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था, आकार, आकृति या स्थिति में परिवर्तन कर देती है। तो बल है क्या? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, आकार, आकृति, शेप, गति से विश्राम, विश्राम से गति, है ना, में परिवर्तन कर देता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बल बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रथम नियम मेरे पास यहाँ पर दो चीजें बता रहा है, एक जड़त्व और दूसरा क्या बता रहा है आपके पास, बल। तो अब आप तो देखिए, जब मैं सेकंड साइड मूव करता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, संवेग बताता हूँ। संवेग फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राशि होती है, इसको मैं पी से शो करता हूँ। ठीक है, किसी गतिशील वस्तु के वेग एवं उसके द्रव्य मान के गुणनफल को संवेग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम मोमेंटम, पी से दर्शाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पी कहते हैं। ये जो पी होता है संवेग, इसको हम पी से शो करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाता है,
द्रव्य मान गुणित वेग, ये आ गया, ये हो गया p, द्रव्यमान m और वेग v के इक्वल हो जाता है। तो ये मेरे पास कैसा हो गया, अगर आप द्रव्यमान और वेग को देखें तो p इक्वल टू एम वी, ठीक है। इसका इकाई क्या हो जाएगा, किलोग्राम, वेग का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ये कैसी राशि है ध्यान रखिएगा, सदिश राशि है। ये मेरे पास यहाँ पर ये आ जाता है। अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम क्या बोलता है, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अगर कोई वस्तु चल रही है उसके ऊपर हम जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ज़्यादा वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए, ठीक है। द्वितीय नियम क्या बोलता न्यूटन का, द्वितीय नियम मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की दर। अगर मैं संवेग में परिवर्तन करना चाहूँ, जैसे एक आपके पास साइकिल है उसके ऊपर जितना ज़्यादा पैडल मारेंगे बल लगाएंगे उतना ज़्यादा उसका वेग परिवर्तित होगा, और वेग में अगर हम द्रव्यमान से गुणा कर दें तो संवेग हो जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन को मैंने आपको बताया था फिजिक्स में डेल्टा साइन से शो करते हैं, दर है तो समय टी से डिवाइड करेंगे, समानुपाती लगाए गए बल, ठीक है। तो ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के सहायता से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये सिद्ध कर देता हूँ कि ये यहाँ पर मैं सिद्ध कर रहा हूँ, सिद्ध कीजिए कि F बराबर M इंटू A के इक्वल आता है, जहाँ F लगाया गया बल और A कैसा है त्वरण है। तो मैं यहाँ पर इसी को प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक। तो देखिए मेरे पास क्या हो गया, मैं यहाँ पर सिद्ध करता हूँ, ठीक है, इसको मैं लेके चलूँ तो प्रूफ लेके चलता हूँ, F इक्वल टू एम इंटू ए। एफ मेरे पास क्या है, ये बल के बराबर है, ठीक है। एम क्या है, द्रव्यमान, और ए वस्तु का क्या है, त्वरण है, ठीक। मान लीजिए कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में है, ये चली गई, ये है, ठीक है, इसका द्रव्यमान m है, इसका प्रारंभिक वेग f है, जिसको मैंने बल लगाया, ठीक, तो द्रव्यमान तो m होगा, अंतिम वेग कितना हो जाएगा v के बराबर, ठीक। और मैं इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ, बल f लगा रहा हूँ। तो देखिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, m द्रव्य मान की वस्तु पर बल F लगाने पर संवेग P1। अब वस्तु साइकिल चलती आ रही है, आपने उसके ऊपर और बल लगाया, ठीक है, तो अब बल लगाना शुरू किया तो प्रारंभिक संवेग कितना आ जाएगा, संवेग बराबर मात्रा गुणित वेग एम यू हो गया, ठीक है। संवेग पी वन से अब अंतिम संवेग कितना आ जाएगा, पी टू बराबर एम, अब उसका संवेग बदल जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, एम वी के मान के बराबर, इसलिए संवेग में परिवर्तन, इसको मैं डेल पी से शो करता हूँ, ये हो जाएगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, ये चला गया, ठीक। तो देखिए मेरे पास क्या कंडीशन आ गई,
अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो डेल पी बराबर हो जाएगा एम वी माइनस एम यू, तो डेल पी बराबर एम को कॉमन निकाल लीजिए, वी माइनस यू, डेल पी बराबर एम, वेग में परिवर्तन डेल वी मान लिया मैंने, ठीक है। तो अब देखिए गति के द्वितीय नियम से लगाया गया बल संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है, एफ समानुपाती डेल पी अपॉन डेल टी। ये मैंने अभी आपको बताया कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है या लगाया गया बल संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो मेरे पास एफ समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बदलने के लिए एक कांस्टेंट के ले लीजिए। डेल पी अपॉन डेल वी कितना हो गया, एम डेल वी अपॉन डेल टी, ये आ गया, ठीक है। इनको एक साथ रख लीजिए, डेल वी अपॉन डेल टी ये कितने के बराबर होता है, ठीक है, त्वरण ए के बराबर होता है, वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो एफ बराबर, ठीक है, यहाँ पर के की वैल्यू न्यूटन ने 1 रखी, तो एफ बराबर एम डेल वी अपॉन डेल टी के ए लिख दीजिए, वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, वेक्टर फॉर्म, ठीक। तो एफ बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, एम इंटू ए के मान के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक। तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकला है, एफ क्या बात है, एम ए के बराबर हो गया, ठीक है, क्लियर। इसको हम क्या बोल देते हैं, मात्रा गुणित त्वरण, ठीक, क्लियर। एफ का यूनिट यहां पर कितना जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन बोल देता हूँ, ठीक। ये मेरे पास क्या आ जाता है, इसकी एसआई यूनिट हो जाती है, एक आ गई। दूसरी इसकी सीजीएस यूनिट ले लीजिए, सीजीएस यूनिट, ठीक। मात्रा को कितना लिखते हैं हम यहाँ पर, ग्राम, त्वरण के लिए कितना जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरे पास डाइन कहलाता है, इसको मैं डाइन बोल देता हूँ, ये सीजीएस यूनिट हो जाती है। नंबर थर्ड, इसका विमी सूत्र कितना जाएगा, का जाएगा एम, त्वरण का कितना है, एल टी पावर माइनस टू, ये मैं विमी सूत्र में इसकी वैल्यू निकाल चुका हूँ। नंबर फोर्थ, 1 न्यूटन बराबर 10^5 डाइन होता है, ठीक है, ये भी मैं प्रूफ करा चुका हूँ। इतना आप लोग नोट करिएगा, कॉपी में करके रखिएगा।